अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और मैं दुआ करता हूँ आप लोग ऐसे ही अच्छे रहें। और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर, और ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहे और आप अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से इंजॉय करें। तो जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं आपको लेकर आया हूँ एक जगह जहाँ पर लाइटिंग कॉम्पिटिशन हो रहा है, और यहाँ अमेरिका में, स्पेशली टेक्सास में जहाँ मैं रहता हूँ, तो यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त लाइटिंग कंपटीशन, लाइटिंग शो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ताकि पब्लिक खुश हो। पब्लिक को एंटरटेन करने के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं, तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पे एक शो रखा है। यहाँ नहीं, हर जगह, हर सिटी में, हर अमेरिका में, हर जगह, लेकिन टेक्सास ये जो है मशहूर है, और टेक्सास जो है यहाँ पे लोग आते हैं स्पेशली ये शो देखने के लिए। यहाँ पे आपको निकलने की ज़रूरत नहीं गाड़ी से, आप गाड़ी में बैठें और ड्राइव अराउंड करें और इस थीम को इन्जॉय करें, क्योंकि ये जो इन्होंने लाइटिंग ऑर्गेनाइज़ की है तो बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़ की है। पूरे कलर्स चेंज होते हैं, आप चलते रहें आगे तो डिफरेंट म्यूज़िक आपको, आपके खुद ब खुद म्यूज़िक जो है बजती रहेगी, प्ले होते रहेंगे म्यूज़िक, और पूरी फैमिली आती है, इन्जॉय करती है, और हम भी पूरी फैमिली के साथ आएँ और बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। तो ये पूरा ड्राइव थ्रू है, तकरीबन 1 आवर का जो है, 1 घंटे का जो है वो यहाँ पे ये ड्राइव होता है, ड्राइव राउंड करते हैं हम लोग, और बड़ा मज़ा आता है। और इसके बाद हम जाएंगे एक जगह, एक टाउन सेंटर है, वहाँ पे एक बिल्डिंग है, उसके रूफ टॉप के ऊपर भी हमें बताया गया है कि यहाँ पे भी एक लाइटिंग शो हो रहा है। तो जी, हम आ गए हैं एक होटल के अंदर, और फिर हम जाएंगे ऊपर रूफ टॉप पर, और यहाँ पे भी एक शो हो रहा है छोटा सा, तो वो भी हम इंजॉय करेंगे, क्योंकि जब न्यू ईयर होता है तो उससे एक दिन पहले हम निकलते हैं, डिनर करते हैं, लाइटिंग देखते हैं, उसके बाद फिर फायरवर्क्स होता है स्पेशली, हम वो देखते हैं, फिर उसके बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन ये जो है, जो हम जा रहे हैं ऊपर रूफ टॉप के ऊपर, तो ये हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा। ये हम जी आ चुके हैं, और यहाँ देख लें कितना ज़बरदस्त उन्होंने लाइट्स ऑर्गेनाइज की है, और डिफरेंट है, डिफरेंट एक्सपीरियंस है। और लोग आते हैं यहाँ पर, लोग बड़े ज़बरदस्त, क्राउडेड है पूरा, और लोग आ रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं अपना न्यू ईयर से पहले, ये लास्ट इवनिंग जो है ये अपनी जो है वो इन्जॉय कर रहे हैं, ताकि जब नया साल स्टार्ट हो तो फुल फ्रेश हो और अच्छी यादें हों उनके दिमाग में। तो जी, ये देख लें इतना ज़बरदस्त शो है, ये भी अच्छा है। यहाँ पे एक डीजे वाले बाबू खड़े हैं, तो डीजे वाले बाबू जो हैं ये आपको जो आपके पसंद का सॉन्ग होगा वो प्ले करेंगे, ताकि आप लोग इन्जॉय करें। तो ये सारा देखें, यहाँ पे लोग इन्जॉय कर रहे हैं, यहाँ पे स्केटिंग कर रहे हैं और बास्केटबॉल चल रहा है यहाँ पे, और ये सारा जो है रोड सारी फुल हैं, लोग वॉक अराउंड कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि फायरवर्क्स कब स्टार्ट होंगे। तो जी, अभी तो बस निकलने का टाइम आ गया है, और ताकि हम जल्दी पहुँचें उस जगह पे जहाँ पे फायरवर्क्स होने वाले हैं। तो मेरी तरफ से आप लोगों को फिर से हैप्पी न्यू ईयर, और बस मैं ये चाहूँगा आप लोग हमेशा खुश रहें, और इसी तरह मुझे अपनी दुआ में याद रखें, और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और प्लीज़ शेयर तो ज़रूर करें, और जितने आप लोग मुझे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी डेफिनेटली, तो मैं और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो बना के यहाँ पे अपलोड करता रहूँगा। तो जी, जाने का टाइम आ गया है, और बस ये होटल से निकल रहे हैं और फायरवर्क्स तक पहुँचना है हमको, जब ताकि ये हम लोग वहाँ पर सेलिब्रेट कर सकें। तो जी, मेरी तरफ से आप लोगों को अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिए, और फायरवर्क्स को प्लीज़ इन्जॉय ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।